ऐसी बात आ कर रहे हैं, खाना इंस्टीट्यूशन में नहीं लिखा है, ऐसे जूते नहीं मार सकते हैं आप। अरे ये क्या हो गया? नमस्ते, जय जगन्नाथ। हैदराबाद का जो सांसद एमपी है औसतुद्दीन ओवैसी, वो जहरीला आदमी है। उन्होंने ये बोला कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो पुरी में है वो बुद्धदेव के मंदिर के ऊपर बनाया गया था, बुद्ध के मंदिर को तोड़ के इसको बनाया गया था। ये झूठ है, ऐसा कोई किसी ने आज तक नहीं कहा। ऐसे कि जो दलाई लामा है, बुद्धिस्ट लोगों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, वो भी आज तक कभी नहीं बोला है कि यहाँ पर बुद्धदेव का मंदिर था, बुद्धदेव के मंदिर को तोड़ के जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। ये जो जहर आप उगाना चाहते हैं लोगों के बीच में, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म सबके बीच में लड़ाई हो, ये आप कभी भारत में सफल नहीं होंगे। आप जो जहरीला आदमी जो जहर उगल रहे हैं, कृपया ये धर्म के ऊपर ना उगले। जिस चीज का मालूम नहीं है आपको, वो चीज आप बोल के गुमराह मत कीजिए। तो ये जो चीज आपने बोला, इसलिए आपको चप्पल से मारा गया, आपको जलाया गया पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने, ये झूठ बोलने के लिए। आपके खिलाफ यहाँ पर थाने में केस दिया गया है, ऑर्डर सेक्शन 295, 295A, 296, 298 ऑफ द आईपीसी के तहत इनको गिरफ्त करना चाहिए, इनको पार्लियामेंट में माफी मांगना चाहिए। ये किस आधार से ये बोल रहे हैं? बोले विवेकानंद के एक किताब से पढ़े थे। विवेकानंद जी कभी ऐसा झूठ बात कहीं नहीं बोले हैं। ये ओवैसी का जहर है जो उसने उगाला है और लोगों के बीच में लड़ाई करने के लिए, जो हम करने नहीं देंगे, उसको चमचाएंगे, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको उसको जेल के अंदर घुसा जाए। और कभी भी किसी मंदिर के ऊपर किसी टिप्पणी देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए ओवैसी जी, वरना आगे जो अंजाम होगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जय जगन्नाथ। तो साहब, कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज हो गई, सेक्शन 295, 295A, 298 और पता नहीं कौन कौन से ओवैसी साहब के साथ। अब वो पूछ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही हुई है सर, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं हुई। चलिए और आगे चलते हैं। ये स्थिति है, जहरीले हैं, जहर उगलेंगे। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla.gov पर कंट्रीब्यूट कर दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani, or sanathani@upi.